हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 24 कैरेट किचन। आज हम बनाएंगे पिस्ताचियो सिरप। तो आइए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने 30 ग्राम पिस्ता लिए हैं, जिनको मैंने 2 आवर्स के लिए पानी में भिगो दिया था। अब मैं इनका छिलका है वो सबका उतार लूंगी। इस तरह मैंने सारे पिस्ता के छिलके हैं वो रिमूव कर लिए हैं। अब हमें 300 ग्राम हमें चाहिए होगी चीनी, 250 ग्राम चाहिए होगा हमें पानी, थोड़ा सा चाहिए होगा हमें पिस्ता इमल्सन 1/2 टीस्पून जितना, और थोड़ी सी केसर की स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हमें पिस्ता का एक स्मूथ पेस्ट है वो बना लेना है। तो मैं एक मिक्सर जार ले लेती हूँ, इसमें हमें थोड़ा बहुत पानी चाहिए, तो पानी डाल के भी हमें एक पेस्ट है वो तैयार कर लेना है। तो इसका मैं बनाती हूँ पेस्ट, फिर दिखाती हूँ आपको। यहाँ मैंने पिस्ताचो को ग्राइंड कर लिया है बिल्कुल 2-3 टेबल स्पून जितना, वाटर डाल के मैंने इसका एक बिल्कुल स्मूथ पेस्ट है वो रेडी कर लिया है। अब मैं एक पैन है वो गैस पे चढ़ा देती हूँ। इसमें डाल देती हूँ चीनी और पानी। इसको हमें ओकेजनली स्टिर करना है। पानी में जब अच्छा सा उबाल आ जाएगा और चीनी पूरी मेल्ट हो जाएगी, तब हम इसमें अपना पिस्ता का पेस्ट है वो डाल देंगे और उसको कुक करेंगे। चीनी हमारी पूरी मेल्ट हो गई है और उबाल भी आ गया है, तो मैं पिस्ता का पेस्ट है वो इसमें डाल देती हूँ। अब हमें इसको कुक करना है, 1 तार जितनी चाशनी जितना हमें इसको कुक करना है, कंटिन्यूअसली या ओकेजनली हिलाते हुए। ये इसका नेचुरल कलर है, आप चाहो तो इसमें कलर ऐड कर सकते हो। मैं थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इमल्सन ऐड करूंगी, और आप चाहो तो इसका ऐसा भी कलर है वो रख सकते हो, बहुत ही प्यारा कलर है। मीडियम मैं कर दूंगी आंच को और इसको कुक होने देती हूँ 2-3 मिनट के लिए। अब हमें देखना है कि इसकी 1 तार की पहली वाली स्टेज जितनी हमें चाशनी है वो तैयार करनी है। तो लगभग 1 तार बनने वाला हो तब हमें गैस की फ्लेम है वो बंद कर देनी है। अब मैं इसको क्या छानूंगी कपड़े से, यदि आपको नहीं छानना है तो इस स्टेज पे आप केसर ऐड कर सकते हो। मैं छानने के बाद ही केसर और कलर एसेंस ऐड करूंगी, तो मैं ठंडा होने के बाद इसको छानूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैं गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने छोड़ देती हूँ। सिरप हमारा ठंडा हो चुका है, मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। देखिए कलर और कंसिस्टेंसी देखिए। अब इसको आप छान के भी यूज कर सकते हैं और विदाउट छान के भी यूज कर सकते हैं। ठंडा होने पे मैं इसमें 1/2 टीस्पून डालूंगी पिस्ता इमल्सन, हाफ से मैं थोड़ा सा कम ही डाल रही हूं, और इसको मैं एक बारीक छलनी से छान रही हूं। आप इसको कपड़े से भी छान सकते हैं।
छानने से कोई भी पिस्ता का मोटा पार्ट रह गया है वो छलनी में रह जाएगा। मेरी छलनी बहुत बारीक है इसलिए मैंने क्लॉथ का यूज नहीं किया, आप मलमल के कपड़े से भी छान सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त सिरप ये तैयार होता है फ्रेंड्स, आप बनाएं और बताएं मेरे को आपको रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको आलमंड का बनाना है तो आप पिस्ता की जगह आलमंड का यूज कर लीजिए। अब यदि आपको इसको प्रिजर्व करना है तो आप KMS डालिए, नहीं तो महीने भर ये फ्रिज में भी सेफ रह जाएगा। मैं इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड कर रही हूँ। ये हमारा वेस्ट पार्ट है वो छलनी में रह गया है। अब जो केसर है मेरे पास वो मैं सिरप में डाल देती हूँ जो एक जबरदस्त सी अरोमा देगी। तो हमारा सिरप है वो रेडी है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।